नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति वाजपेयी एक मनोवैज्ञानिक हूँ जो डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन के मेमोरी क्लिनिक विभाग में काम करती हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं आपको आज एक उस बीमारी के बारे में अवगत कराना जा रही हूँ जिसमें आपके दिमाग की सोचने की, समझने की, याददाश्त की क्षमता कम होती जाती है धीरे धीरे, और इस बीमारी को डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया एक प्रगतिशील रोग है जिसमें आपके दिमागी तरीके से सोचने और समझने की क्षमता समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। आपको लगता है कि आप स्लो हो रहे हैं, आप अपने आप को जब पहले कंपेयर करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पहले मैं बहुत चुस्त थी और अब मुझसे वो काम नहीं हो पा रहा है। आपको याददाश्त की कमी होने लगती है, आपको एफर्ट करना पड़ता है कि आप भूल रहे हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक डिमेंशिया का सिम्टम है। हालांकि लोगों को लगता है कि भूलने की दिक्कत, जो भूलने की समस्या है, वो एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है और काफ़ी लोग उस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि चाबी रख के भूल जाना, कहीं जा रहे हैं तो रास्ता भूल जाना, चश्मा भूल जाना, लेकिन अगर वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर वो कोई दिक्कत नहीं पैदा करता तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आपकी भूलने की क्षमता की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफ़ेक्ट होने लगती है, जैसे कि जो आप रास्तों में जाते हैं वो रास्ते भूल जाना, गैस स्टोव बंद करके भूल जाना, आप अक्सर जिनसे मिलते हैं उनके नाम भूल जाना, अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है तो इस समय आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, इसलिए ताकि आपके सही समय पर जाँच हो सके और जितनी जल्दी डिमेंशिया को हम पकड़ सके उतनी जल्दी उसका रिस्क हम कम कर सके। सो ये बीमारी डिफरेंट डिफरेंट चरण में होती है, इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेज होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें इंसान नॉर्मली भूल जाता है लेकिन वो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट नहीं करता है। दूसरा चरण होता है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इसके अंदर आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि बैंक के काम करने जाना और वहाँ पे आप भूल जाना कि कौन सा फॉर्म भरना है, कितने पैसे विड्रॉ करने हैं, आप फोन पे बात कर रहे और आप भूल जाते हैं कि आप वो कॉन्वर्सेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप लोगों के अक्सर नाम जिनसे रोज मिलते हैं उनको भूल जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि आप प्री क्लिनिकल माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में स्टेज में है। सो इसका तीसरा चरण होता है डिमेंशिया, जहाँ आपके बेसिक एक्टिविटीज में खराबी या दिक्कत आने लगती है, कपड़े कैसे पहनते हैं उल्टा सीधा वो भूल जाना, घर के अंदर कंफ्यूजन हो जाना कि घर का रास्ता कहाँ पर है, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम भूल जाना, टॉयलेटिंग, बेसिक टॉयलेटिंग ट्रेनिंग भूल जाना, तब आप कह सकते हैं कि आपको एडवांस डिमेंशिया है। घबराए नहीं, डिमेंशिया बहुत स्लोली और प्रोग्रेसिवली बढ़ता है, तो इसके रोकथाम करने के काफ़ी जरिए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तरीका और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो है एक्टिव सोशल लाइफ, विच मीन्स आपको अपनी सक्रिय सामाजिक जीवन रखना है। आमतौर से जब आपकी उम्र बढ़ती रहती है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपनी सामाजिक लाइफ को बहुत लिमिट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए अपनी सोशल लाइफ को सीमित करते जाते हैं, वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से मिलना बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं सोशल आइसोलेशन, और इंटरनेशनल रिसर्च काफ़ी तरीके से बोलती है कि अगर सोशल आइसोलेशन है तो वो एक बहुत बड़ा डिमेंशिया का रिस्क है। अब हमें जानना है कि आगे करना क्या चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपके सोशल लाइफ को एक्टिव रख सकता है, आपकी सामाजिक लाइफ को सक्रिय रख सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला, दोस्तों से मिलना, नए फ्रेंड से मिलना, नए लोगों से मिलना, चाहे आप उनसे फ़ोन पे बात करें, चाहे आप उनको मिल के आए, पार्क में जाए, या फिर आप उनसे नई दोस्ती बढ़ाए, नई बातें करें, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी सोशल लाइफ को एक्टिव रखने का। सो भिन्न तरीके के ग्रुप्स ज्वाइन करना, जैसे कि योगा हो गया, जैसे कि मेडिटेशन ग्रुप हो गया, स्पिरिचुअल ग्रुप्स हो गया, इससे आपकी संज्ञात्मक और सामाजिक जीवन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, इससे आप और ज़्यादा अपनी डिमेंशिया रिस्क को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दूसरा उदाहरण के तौर पे एनजीओस ज्वाइन करना, स्वयं सेवा संस्था, जहाँ आप अपनी सर्विस दे सकते हैं, चाहे वो गार्डनिंग की सर्विस हो, चाहे छोटे बच्चों को पढ़ाने की सर्विस हो, चाहे वो जानवरों की सेवा हो,
ये सब एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से आपकी सामाजिक एक्टिविटीज को सक्रिय करती है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है डिमेंशिया के रिस्क को रोकने का। इसके अलावा अपनी हॉबीज में एंगेज करना, चाहे वो गार्डनिंग हो, पेंटिंग हो, लोगों से मिलना हो, म्यूजिक हो, घूमना हो, इन सबको अगर आप अपने दिनचर्या में, इन सबको अगर आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे कि आपको वो इतना एक्टिविटी इतना कॉग्निटिवली इम्प्रूव कर देगा कि आपका डिमेंशिया रिस्क रिड्यूस हो सकता है। महीने में एक बार या 6 महीने में अपने पुराने कोलीग्स या अपने पुराने दोस्तों से रीयूनियन करना या मिलना या अपनी पुरानी यादें ताजा करना, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक डिमेंशिया रिस्क को रिड्यूस करने का। इसके अलावा अगर आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, उनके साथ नए तरीके को साझा करना, उनके दौर की नई टेक्नोलॉजी को सीखना, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक चलाना हो, चाहे इंस्टाग्राम चलाना हो, ये सब सीख के आप अपने आप को संज्ञात्मक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देते हैं। इसके अलावा अपने दौर की चीज़ें भी उनको साझा करना, जैसे कि सिलाई बुनाई सिखाना, गार्डनिंग सिखाना, फार्मिंग टेक्निक सिखाना, इससे क्या होता है कि आप अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कनेक्ट होते हैं और आपका सोशल लाइफ और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। साइंटिफिकली ये सब एक्सरसाइजेस आपकी डिमेंशिया रिस्क को बहुत हद तक रोकता है। सो इसलिए अगर आप इन सब एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करते हैं अपनी डेली रूटीन में, तो आपके काफ़ी डिमेंशिया रिस्क को रिड्यूस करने के चांसेस रहते हैं। तो आज से, अभी से मैं सब बुजुर्ग लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनों के साथ साथ अपने लिए भी जिए। जहां आप अपने शरीर के साथ साथ अपनी सामाजिक लाइफ, अपनी सामाजिक जीवन, अपना संज्ञात्मक जीवन को एक्टिव रखें, ताकि आप इस बीमारी से बच सके और इसकी रोकथाम कर सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये जानकारी अपने साथियों के साथ, अपने दूसरे बुजुर्ग लोगों के साथ साझा करें और डिमेंशिया की रोकथाम करने के लिए जागरूकता फैलाएं। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें मेमोरी क्लिनिक, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन में हर बुधवार को होता है 2 से 4, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।